हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ जहाँ का अगर आपने एयरपोर्ट ही देख लिया ना तो भाई समझ जाओ कि ये कितनी स्पेशल जगह है। जी हाँ, इस देश की साफ सफाई का मुकाबला कोई और देश कर ही नहीं सकता है। अरे भैया नंबर वन है ये। एक ऐसा देश जहाँ अगर आपने गलती से भी च्युइंगम खा लिया ना, ओए होए होए, जेल जाना पड़ सकता है, कोई नहीं बचाएगा आपको। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से भले ही एक है लेकिन इसकी इकोनॉमी की ताकत देखकर यार दुनिया चौंक जाती है। यहाँ के लोगों के बीच में दही खाना सबसे ज्यादा कॉमन है भाई। बिजनेस करने वालों के लिए जन्नत है ये देश। दोस्तों इस देश का नाम है सिंगापुर। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश सिंगापुर के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन है तकरीबन 60 लाख के आसपास। देश के पास कुल 700 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है। यहाँ पर गांव है ही नहीं। जी हाँ, तभी तो टोटल पॉपुलेशन ही अर्बन एरिया में आती है। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि सिंगापुर यानी कि एक ही आइलैंड का देश है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक आइलैंड का देश नहीं है बल्कि यहाँ पर कुल मिलाकर 63 अलग अलग आइलैंड हैं। जी हाँ, दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में आता है ये देश। यहाँ के मेन आइलैंड की बात करें तो ये 42 किलोमीटर लंबा है और 23 किलोमीटर चौड़ा है। कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो इस देश को एक ही दिन में देख सकते हो। हालांकि वो बात अलग है कि ये कंट्री की खूबसूरती सबसे अलग है यार, और आपको हर जगह समय देना पड़ता है क्योंकि यहाँ हर चीज अनोखी है। सिंगापुर में साफ सफाई को लेकर बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान गंदगी फैला ही नहीं सकता है। यही वजह है कि आज के दिन सिंगापुर में च्युइंगम खाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इस देश में अगर गलती से भी कोई च्युइंगम खाते हुए पकड़ लिया गया ना तो समझिए कि उसे जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहां के लोगों के हिसाब से अगर कोई च्युइंगम खाकर रोड पर फेंक देता है तो उसकी सफाई करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों सिंगापुर में कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ज्यादा ऊंची की नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि ये यहाँ की मैक्सिमम लिमिट है और यहाँ की गवर्नमेंट ने ये नियम बना रखा है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि एक बिल्डिंग है इस देश में जिसकी लंबाई 290 मीटर की है और इसका नाम है द तंजोंग पेजर सेंटर। वैसे क्या आपने चंगी एयरपोर्ट के बारे में सुना है? ये सिंगापुर के एयरपोर्ट का नाम है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये देश जितना खूबसूरत है उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरती से यहाँ का एयरपोर्ट बनाया गया। यहाँ पर लैंड करने के बाद आपका दिन बन जाएगा यार। दोस्तों सिंगापुर में 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर इंग्लिश, चाइनीज, मलय और तमिल बोली जाती है। जी हाँ, तमिल भी बोली जाती है, लेकिन साथ ही साथ एक और भाषा भी है जिसका नाम है सिंग्लिश। अब आप कहेंगे कि भैया ये सिंग्लिश क्या है, वो भी यहाँ के लोग खूब बोलते हैं। ये इंग्लिश और यहाँ की बेसिक लैंग्वेज को मिक्स करके बोली जाती है। जैसे हमारे यहाँ होता है हिंदी और इंग्लिश, तो हिंग्लिश, वैसे ही वहाँ पर सिंग्लिश, सिंपल। सिंगापुर के लोगों के बीच में दही खाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग हर डाइट में दही को जरूर शामिल करते हैं। अगर आप किसी भी देश के मुकाबले इस देश की बात करें तो यहाँ पर आपको कहीं ज्यादा बड़े डब्बे में दही दी जाती है। सिंगापुर के लोग बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं। अब भैया दही खाएंगे तो लाइफ तो हेल्दी होगी ही होगी, और ये बहुत फिट माने जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कम लोग ही मोटे नजर आएंगे। जानते हैं यहाँ के लोग मोटापे से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? ये ऑफिस पैदल जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए खाने की तो हर मील के बाद यहाँ के लोग गर्म पानी जरूर पीते हैं। ये है इस देश के लोगों की खासियत। तभी आप देखेंगे कि यहाँ के लोग बड़े ही फिट एंड गुड लुकिंग नजर आते हैं। अब अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो देखिए ये तरीके आप भी अपना सकते हैं और फिट और गुड लुकिंग बन सकते हैं। दोस्तों सिंगापुर के लोग पैदल चलने में काफी माहिर माने जाते हैं। यहाँ के लोग सबसे तेज गति से पैदल चलते हैं। ये लोग पर आर 6.15 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं जो कि वर्ल्ड में किसी भी देश के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। आज सिंगापुर दुनिया का सबसे खुशहाल देशों में से एक है। आपको लगता होगा कि यहाँ की जनसंख्या काफी कम है इसीलिए ये देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन बात बस पॉपुलेशन को लेकर नहीं है। आपको बता दूं कि सिंगापुर में लोग बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ पर जिसे जो काम असाइन कर दिया जाता है उसके बाद उस काम के बारे में उनसे पूछने की जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि काम चोरी करते हैं। यहाँ पर काम फिनिश का मतलब होता है 100% असाइनमेंट को कम्प्लीट करना। यस,
दोस्तों आज के दिन में सिंगापुर देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो कि खुली हैं, वो इसीलिए क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड देश के बाद अगर कोई दूसरा देश है जहां का आसान नियम बाहर की कंपनी को अपने देश में काम करने के लिए इनवाइट करता है तो वो है सिंगापुर। जी हाँ, यही वजह है कि यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती है। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो दुनिया का कौन सा देश है जहां के लोगों का आईक्यू लेवल सबसे तेज होता है? इस मामले में भी सिंगापुर सबसे पहले नंबर पर आता है। इस छोटे से देश से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। इस देश के लोग सबसे इंटेलिजेंट होते हैं और यहां का आईक्यू लेवल 107.1 औसतन है। यही वजह है कि सिंगापुर के लोग तो बहुत ही क्रिएटिव तो माने जाते हैं, साथ ही साथ ये लोग बहुत ही आसानी के साथ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। अंडर प्रेशर भी सिंगापुर के लोग कभी ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस देश में सब कुछ नियम कानून से चलता है। यहां पर अगर गलती से भी आपने पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश नहीं किया तो समझिए आपको कम से कम $150 का फाइन भरना पड़ जाएगा, मतलब ₹10,000 ढीले हो गए आपके। इस बात को लेकर सिंगापुर में बहुत ही कड़े नियम है, जिसने नहीं किया फ्लश उसे इतना फाइन भरना पड़ता है कि दोबारा कभी वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है। दोस्तों दुनिया का टॉलेस्ट इंडोर वॉटरफॉल भी सिंगापुर देश में है। अगर आपने नाम सुना हो फेमस प्लेस गार्डन्स बाय द बे का, तो यही है वो इंडोर वॉटरफॉल। इसकी खूबसूरती देखने के बाद ही समझ में आता है कि ये इतना शानदार क्यों है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और मस्ती करते हैं। वेल दोस्तों, करप्शन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी इस देश में है ही नहीं, एटलीस्ट यस। सिंगापुर में घोटाला नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ ना तो कोई किसी को किसी भी काम के लिए पैसे देता है और ना ही कोई किसी काम के लिए लेता है। अगर गलती से भी किसी ने पैसे मांगे अंडर टेबल, तो समझिए कि उसे जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। तभी तो ये देश इतना आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही सिंगापुर में 0% क्राइम रेट है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर आप अगर अपना सामान भी कहीं छोड़कर चले जाते हैं ना, तो आपको वहीं आपका सामान मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये इस देश की सबसे बड़ी खासियत है। इस देश में आपको क्राइम की टेंशन लेनी ही नहीं है। अरे भैया, क्राइम है ही नहीं, और क्या, बस अपने काम से मतलब रखना है। यहाँ ना तो चोरी होती है और ना ही कोई गुंडागर्दी है। दोस्तों सिंगापुर बहुत ही पढ़ा लिखा देश है, जहाँ की लिटरेसी रेट तकरीबन 98% के आसपास है। इस देश में प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए फ्री है। यहाँ पर कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रह जाए, इसे लेकर यहाँ की सरकार बहुत मेहनत कर रही है। वैसे भी यहाँ के पेरेंट्स ही इतने एक्टिव हैं कि बच्चों के एजुकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। इस देश में सिंगापुर डॉलर करेंसी के रूप में चलता है। सिंगापुर धनी होने के साथ साथ बहुत ही महंगा देश भी है। यहाँ $1 इंडियन करेंसी के मुताबिक ₹55 बैठता है। हर साल 7 नवंबर का दिन सिंगापुर में बहुत ही खास वजह के लिए मनाया जाता है। इस दिन नेशनल ट्री प्लांटिंग डे के रूप में यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन यहाँ के सरकारी ऑफिसर्स और आम लोग भी पेड़ लगाते हैं और कई लोग तो पेड़ को अडॉप्ट भी करते हैं। सिंगापुर में मिलिट्री सर्विसेज हर पुरुष के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ किसी ने हाई स्कूल पास किया, उसको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी ही होती है सेना की। इस ट्रेनिंग की वजह से यहाँ के बच्चे फिजिकली फिट तो होते ही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेनिंग इन्हें मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों सिंगापुर देश कितना रिच है, इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर 6 में से 1 आदमी करोड़पति है। जी हाँ, जिनके पास कम से कम $1 million है। यहाँ के लोग मेहनत भी करते हैं तो पैसे भी कमाना जानते हैं। सिंगापुर में एक जगह ऐसी है जिसका नाम है चाइना टाउन। यहाँ कॉम्प्लेक्स फूड सेंटर मिलता है। इस जगह पर 260 खाने पीने की दुकानें एक साथ बनाई गई हैं, और दुनिया का कोई भी ऐसी डिश नहीं है जो आप यहाँ नहीं खा सकते हैं। वैसे भी इस देश के लोग ना खाने पीने के मामले में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं। वीकेंड पर तो यहाँ के लोग आपको आउटिंग करते हुए ही दिखाई देंगे। दोस्तों सिंगापुर की नाइट लाइफ की खूबसूरती को तो क्या ही कहने। लाखों टिमटिमाते डिजाइनर लेजर लाइटों से लैस यहाँ की रातें रोशनी में नहा उठती हैं। ऑर्चर्ड रोड, सिंगापुर रिवर, बुगीज मरीना वे में बोट का रोमांचकारी सफर सिंगापुर को और भी ज्यादा मनोहर बनाती है। कहा जाता है कि ये देश कभी सोता ही नहीं है, और आपको कभी भी यहाँ अकेलापन फील नहीं होगा। यहाँ के माक्यो सिंगापुर नाइट क्लब को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार नाइट क्लब माना जाता है। अगर आपको इस देश में जाने का मौका मिले तो आप यहाँ की नाइट लाइफ का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश सिंगापुर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के वीडियो में आपको सिंगापुर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी सिंगापुर गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।